अरे क्या स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो अधिकार ऋषि दयानंद ने दिलवाए वो भूले थी? क्या जो विधवाओं के विवाह की बात ऋषि दयानंद ने की वो भूले थी? क्या दलितों को सम्मान देने की बात जो ऋषि दयानंद ने कही वो भूले थी? क्या वेद को जन जन तक पहुंचाया महर्षि दयानंद ने, क्या ये भूल थी? क्या देश की आजादी की चिंगारी जो ऋषि दयानंद ने लगाई, क्या ये भूले थी? अरे इतने उपकार महर्षि दयानंद के हैं, और आप ऐसे ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व में कमियां निकाल रहे हो? स्वामी जी थोड़ा सा तो अपने जान चक्षुओं को खोल करके देख लेते तो शायद आप सोचने पर विवश हो जाते। और मैं कह दूं आपको, आपने जो इतनी भारी भूल की है, एक सन्यासी का चोला पहन करके, एक जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त करके, ये आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यदि आप सच्चे सन्यासी हैं, आप सच्चे साधु हैं, तो इसके लिए जिस प्रकार से आपने सार्वजनिक मंच से ऋषि दयानंद का अपमान किया, आपको ऐसे ही सार्वजनिक मंच पर आकर के महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व को नमन करते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए, ताकि आपका ये दोष दूर हो जाए। नहीं तो ये आपका कथानक इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी निंदा और आपके अपयश का कारण बनेगा। आप एक सन्यासी हैं, आपको इस बात पर भली भांति चिंतन कर लेना चाहिए था कि महर्षि दयानंद पौराणिक जगत के शत्रु नहीं थे, ऋषि दयानंद हिंदू जाति के शत्रु नहीं थे। महर्षि दयानंद तो चाहते थे ये देश राम के आदर्शों पर चले, ये कृष्ण के आदर्शों पर चले, ये वेदों पर चले। आप कहते हो कि मैं वेदों के मंत्रों से रामायण को सिद्ध करूंगा, मैं अष्टाध्यायी के सूत्रों से सिद्ध करूंगा। मनमाने अर्थ तो कोई भी कर सकता है, मनमाने अर्थ करके तो आपने वेदों की इतनी दुर्गति कर दी, ग्रंथों की इतनी दुर्गति कर दी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन ग्रंथों से घृणा करती है। अरे ऋषि दयानंद के जो अर्थ है वेदों के, वो मनमाने अर्थ नहीं है, वो व्याकरण के आधार पर किए गए वैज्ञानिक अर्थ है। महर्षि दयानंद ने जिस शब्द का अर्थ जहाँ पर जो निकलता था वही किया है, अनर्गल और मनमानी नहीं चलाई। तो आप इस मनमानी का आलाप जो है ये लगाना बंद करें, ये मनमानी के गीत गाने बंद करें, और जितना जल्दी हो सके अपने इस गलती का सुधार करें। सार्वजनिक मंच पर आकर के ऋषि दयानंद से क्षमा मांगे। मैं आर्यों को भी कहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, और आप भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के ये दबाव बनाएं, ताकि इतने ऊंचे व्यक्तित्व जिनके विषय में किसी ने कहा था, आसमाने तीर ले गर हाथ में शमसो कमर, चक्कर लगाए दर बदर गाहे अरब गाहे अजब, आफाक में कोई बशर आए नजीर उसकी नजर है गैर मुमकिन सरबशर, ईमान से कहते हैं हम, किसी ने कहा था कि यदि वो खुदा अपने हाथ में चांद ले ले और एक हाथ में सूर्य ले ले और दोनों का दीपक बना करके दयानंद जैसी शख्सियत को खोजे, तो ऐसी शख्सियत महाभारत के बाद मिलने वाली नहीं है। और आप जिन मनमाने अर्थों की बात करते हो ना स्वामी जी, मैं आपको एक बात और कह दूं, आप कह रहे हो कि अष्टाध्याय के सूत्रों से आप रामायण निकालोगे, आप निकालोगे, लेकिन महर्षि पाणिनि की योग्यता कम थी क्या जो वो नहीं निकाल पाए? महर्षि पतंजलि की योग्यता कम थी क्या जो वो नहीं निकाल पाए? गौतम कपिल कणाद जी की योग्यता कम थी क्या वो नहीं निकाल पाए? उन्होंने कभी इस प्रकार की मिथ्यावादी बातें नहीं कही कि वेद में किसी का इतिहास है या फिर पाणिनि अष्टाध्याय में किसी का इतिहास है। अरे ये ग्रंथ है, वेद तो परमात्मा की वाणी है जो इस सृष्टि के संबंध में लिखी गई है। आप थोड़ा तो विचार करें, थोड़ा तो चिंतन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वेदोक्त जीवन है, भगवान कृष्ण का जीवन वेदोक्त जीवन है, ये दोनों सनातन के स्तंभ हैं और निश्चित इनका वेदोक्त जीवन है। आपको चाहिए उसकी प्रेरणा जनता को दे, झूठे भाषण ना करें, इस पाप से आप बचें और इसके लिए तुरंत माफी मांगे। धन्यवाद।